रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2021 शनिवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 24 अप्रैल 2021 शनिवार का दिन है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि बन रही है, जो कि यह शाम के 7:17 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 6:22 तक चलेगा और इसके आगे उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो ध्रुव नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 11:42 तक चलेगा और इसके उपरांत व्याघात नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का समय सुबह के 6:02 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:47 पर और चंद्र उदय समय है रहेगा शाम के 4:02 पर और चंद्रास्त का समय सुबह के 4:41 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा सिंह राशि इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक रात्रि के 11:56 तक चलता रहेगा। अर्थात आज का शुभ समय सुबह के 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक चलेगा। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:13 से लेकर ठीक सुबह के 10:49 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें और ना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो आपको अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज साबित चुकाता है। चार चीज में शर्म कभी मत करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथी में, बूढ़े माता पिता में और शादी रहन सहन में। संघर्ष करने वालों को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से कहीं बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ पाने की ठान लो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अपनी जुबान की ताकत कभी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। भाई को नजदीक न आने दो, अगर यह नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भाई से भागो मत, इसका सामना करो। तो ये कुछ बातें थी चाणक्य द्वारा। चलिए इसी के साथ जानते हैं मेष राशि का दैनिक राशिफल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। मेष राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आज आपके सितारे, हम पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अभी आप आत्मविश्वास संपूर्ण महसूस कर रहे हैं, हाल ही में हुई कोई हानि आपको आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करेगी। प्रार्थनाओं या ध्यान राहत प्रदान कर सकती हैं। विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। करीबी लोगों के भ्रमित व्यक्तिगत क्षणों से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती हैं। हंसमुख मनोदशा, अच्छा स्वास्थ्य और आराम आपको काम करने में मदद करेंगी। आपको बताना चाहेंगे अपने काम से पहचान मिलेंगी और आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है छोटी समस्याएं में न उलझे, कार्य दूसरों की भलाई और अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। याद रखें जो हम बेचते हैं वही काटते हैं। मेष राशि जातकों के लिए अगर करियर की बात की जाए
तो आज आप दान या नॉन प्रॉफिट कामों को करने में इच्छुक हैं, कार्य के प्रति आपका सकारात्मक नजरिया और कौशल आपको उस स्थिति तक ले जाना चाहता है जिसका आपने ड्रीम देखा है। शारीरिक समस्याओं को बढ़ने से पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाएं या डॉक्टर से मिलें। आपका खुशनुमा मूड और आपके काम करने का तरीका दोनों आपके लिए आवश्यक है। आपके आसपास के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए अपने ध्यान रखें। अपने कीमती वक्त और ऊर्जा को बड़ी डील्स के लिए बचा कर रखें, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे एक नई आदत या शौक विकसित करने के लिए विचार कर सकते हैं। याद रखें, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपके करियर की बात की जाए तो कोई घाटा या नुकसान आपके जीवन में उदासी के रंग भर सकता है, इसलिए धन का व्यय सोच समझ कर करें। प्रेम संबंध में धोखा का मतलब जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए संबंध की शुरुआत को हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे आपका हर सपना पूरा होगा, बस पहल करने की जरूरत है। आप और आपका पार्टनर यह अच्छे से जानते हैं, यह समय आपके लिए अच्छा है। हम आपको बताना चाहेंगे आप आज किसी खास के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो अपने दिल की बात करने में न हिचके। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनाते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।